हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। इसे बनाना बहुत आसान है और चटनी बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है। ये बहुत टेस्टी बनती है और खाने में तीखी और खट्टी लगती है। सर्दियों के मौसम में मूंगफली जरूर खाना चाहिए, इससे शरीर में गर्मी आती है और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। जिन लोगों को खून की कमी है उन्हें भी मूंगफली ज़रूर खाना चाहिए। तो मूंगफली का टेस्ट चेंज करने के लिए, उसे अलग अलग तरीके से खाने के लिए आज मैं बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी मूंगफली ली है, जिसे मैंने पहले गर्म पैन में सूखा भून लिया है और ठंडा होने के बाद उसका छिलका निकाल लिया है। देखिए, मूंगफली अच्छे से भुनी हुई है और सूखा भूनने के से चटनी में सौंधा सौंधा टेस्ट आता है। तो मूंगफली के साथ ही चटनी बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच ताजी दही ली है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और चटनी में डालने के लिए मैंने 1 हरी मिर्च और 4 लहसुन की कलियां ली हैं। इन्हें मूंगफली के साथ ही पीस लूँगी। और आधा कटोरी मूंगफली में 1 हरी मिर्च काफ़ी होती है चटनी को तीखा बनाने के लिए। साथ ही चटनी में छौंक लगाने के लिए मैंने राई ली है, जिसे काला सरसों भी कहते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर लाने के लिए, ये ऑप्शनल है। और साथ ही साथ 5 से 6 कड़ी पत्ते और स्वाद के अनुसार नमक। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। और चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली, हरी मिर्च और लहसुन को मिक्सी में पीस लेंगे। तो मैं डाल रही हूँ मूंगफली, हरी मिर्च और लहसुन। आप चाहे तो इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। मिक्सी के जार में भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च और लहसुन, इसे एक बार 30 से 40 सेकेंड के लिए सूखा ही पीस लेंगे। और जब मूंगफली दरदरी पीस जाएगी तो उसमें दही डालकर फिर दोबारा से उसे बारीक होने तक पीसेंगे। तो देखिए, मूंगफली दरदरी पीस गई है और अब मैं इसमें दही मिलाऊंगी। अभी मैं मूंगफली के साथ आधा दही मिक्स कर रही हूँ और बाकी की दही बाद में मिक्स करूँगी, ये देखने के बाद कि चटनी कितनी गाढ़ी और पतली होती है, उसके अनुसार दही मैं मिक्स करूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। तो दही डालकर एक बार फिर से मैंने मिक्सी चला दिया है और चटनी देखिए पिस गई है। चटनी मैं दिखाती हूँ आपको, अभी थोड़ी गाढ़ी है तो मैं इसमें बाकी का दही मिलाकर इसे फिर से एक बार और लगभग 30 से 40 सेकंड तक के लिए ग्राइंड कर लूँगी। मूंगफली को पीसने पर उसका नेचुरल ऑयल निकलने लगता है और ये आपस में चिपक जाती है। तो जार के कॉर्नर में ये चिपकी हुई है और इसीलिए मैं चम्मच से मूंगफली को साइड से समेट कर बीच में कर रही हूँ और इसे 30 से 40 सेकंड तक के लिए और पीस लूँगी। चटनी गाढ़ी है और इसे पतला करके दोबारा से पीसना है। उससे पहले मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। ढक्कन के ऊपर भी चटनी लगी हुई है तो इसे जार में डाल रही हूँ ताकि नमक एक बराबर से चटनी में मिक्स हो जाए। तो जार का ढक्कन लगा के मैंने चटनी को दोबारा से पीस लिया है और अब देखिए, चटनी पहले से बहुत पतली हो गई है और अच्छी तरीके से पिस गई है। तो मूंगफली की चटनी में छौंक लगाने के लिए मैंने हाई गैस फ्लेम पर पैन डाल दिया है और पैन हो गया है गर्म और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने पर मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच राई। राई को तेल में अच्छे से तड़कने दिया है। उसके बाद मैंने तेल में डाला है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को तेल में 5 सेकंड तक फ्राई होने के बाद मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। लो गैस फ्लेम पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को 5 सेकंड तक भून लेंगे और मैंने उसके बाद पीसी हुई मूंगफली की चटनी तेल में डाल दी है और इसे 1 उबाल आने तक पकाऊंगी। चटनी को मैं बाकी मसालों के साथ चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और इसे लो गैस फ्लेम पर रखा है। 1 उबाल आने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। चटनी में उबाल आने लगा है और अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। और गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं चटनी के ऊपर से आधा कटा हुआ नींबू का रस मिला रही हूँ। तो देखिए, तीखी चटपटी और खट्टी चटनी बनकर रेडी है। और आप लोग भी मूंगफली की ये चटपटी चटनी बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। इडली, डोसा और पकौड़ों के साथ इस चटनी को इंजॉय करिए। उम्मीद करती हूँ मूंगफली की चटनी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसे एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने अभी तक लाइफ इज इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, खुश रहिए।